स्वागत है आपका मूव मीडिया में और आपके साथ मैं हूं आदित्य सिंह। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और एसएस देशवाल डीजीआईटीबीपी ने एकेडमी में हिस्ट्री ऑफ आईटीबीपी नाम की पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने पासिंग आउट परेड और शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि थे और जहां पर 53 अधिकारियों ने बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्ण पूरा करने के बाद देश सेवा की शपथ ली। आदरणीय श्री एस एस देशवाल महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के मार्गदर्शक और आदरणीय श्री एम एस रावत अपर महानिदेशक पश्चिमी कमांड के प्रयासों से इस पुस्तक को पहली बार बल्कि तथ्य पर गौरव गाथा और अधिकारियों और जवानों को बल्कि 6 दशकों के इतिहास की विशद जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है, जो बल्कि आधिकारिक इतिहास के रूप में। आपको बता दें कि आईटीबीपी में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपीएससी चयन प्रक्रिया में आईटीबीपी में शामिल हुई हैं 2 महिला अधिकारी। प्रकृति और दीक्षा ने सहायक कमांडेंट के रूप में देश सेवा की शपथ ली। भारत के लिए या देश के लिए कि महिला सशक्तिकरण के लिए आपने सोचा था अपनी बेटी को आईटीबीपी में भेजेंगे? ऐसा तो कभी दिमाग में आया नहीं था, पर जब परिस्थितियां जो है ऐसे ही हो रही थी, मोटिवेटेड थी और सेल्फ जो इनको जो तैयारी कराई, खासकर जो फिजिकल और मेडिकल के लिए, बाकी का तो इनकी अपनी जो है पढ़ाई का रिजल्ट है कि इन्होंने क्वालिफाई किया इसके लिए। दीक्षा किसे रोल मॉडल मानती हो? फादर को मानती हूँ, फादर ने बहुत मोटिवेट किया, कभी किसी से कम नहीं। एक बार फिर से महिलाओं के लिए जो आपने बात बोली वो फिर से बोली, जो देश की महिलाएं जो आपको देख रही हैं, जो लड़कियां हैं जो आईटीबीपी में आना चाहेंगी, उनके लिए तो मैं बोलना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए भी ये बहुत अच्छी फोर्स है, जिसको एडवेंचर पसंद है, जिसे चैलेंजेस पसंद है, बिल्कुल इस फोर्स को ज्वाइन करें, लड़कियाँ किसी क्षेत्र में कम नहीं। मेरा नाम प्रकृति है, मैं यूपीएससी की तैयारी करते करते आईटीबीपी के अंदर आई और मुझे यहाँ पे सौभाग्य मिला यहाँ की पहली महिला जीडी ऑफिसर बनने का। यहाँ की लाइफ बहुत टफ है पर उससे ज़्यादा चैलेंजिंग और उससे ज़्यादा एक्साइटिंग है। बाकी जितनी लड़कियाँ हैं जो मुझे इस टाइम देख रही हैं और जो लड़के देख रहे हैं, जिनकी बहनें जिनको आना चाहिए फोर्स के अंदर, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ यहाँ पे आइए, क्योंकि आपकी बहुत ज़रूरत है देश को, देश सेवा का इससे अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। आईटीबीपी में साल 2016 से यूपीएससी के माध्यम से महिला कॉम्बैट अधिकारियों की कंपनी कमांडर के रूप में नियुक्ति शुरू हुई थी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।